पहली श्लोक सभी गुणसान परो धर्म गतो भक्ति दुख जी ये भगवान और दुख जो उनका चरण में प्रपत्ति और भक्ति भक्ति जो का अर्थ होता है सर्वनाम कीर्तनम विष्णु भगवान विष्णु का विषय सुनना जैसा आप लोग सुन रहे हैं ये भक्ति योग है सर्वनाम कीर्तनम और सुन के फिर कीर्तन करना आज उधर भगवान का विषय ये आलोचना हुई और ये उचित है उसको स्मरण करना सर्वनाम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो हम लोग सुनता है सत्संग में उसको फिर स्मरण करना चाहिए। शतांग प्रसंगात मम बीज संग विद भवंती रितकर्ण रसायन कथा भगवान की कथा सत्संग से बहु रुचिप्रद होता है वो भाराटिया से नहीं। शतांग प्रसंग जो लोग भगवत भक्त है उनको साथ बैठ करके और भगवान की विषय सुनना फिर उसका आलोचना करना अच्छी तरह से सर्वनाम कीर्तनम विष्णु और जो ठीक ठीक श्रवण किया है वो अवश्य कीर्तन करे ये भगवत भक्ति का लक्षण है। जैसे ये अंग्रेज लोग अमेरिकन युवक है उनको भोग करने की इच्छा विशेष करके पाश्चात्य देश में बहुत सुविधा है ताकि क्योंकि श्रवण किया अब देखिए सब छोड़ छाड़ करके ये बालक अवस्था में संन्यास लेकर के सारा दुनिया में प्रचार कर कीर्तन कर ये श्रवण का फल होता है। यदि वास्तविक कोई श्रवण किया है भगवान की कथा फिर भीतर से उसको प्रेरणा होगी तो मैं इसको कीर्तन करूं सबको सुनाओ इतनी अच्छी चीज है दुनिया को सुनाना चाहिए इसका नाम है कीर्तन। कीर्तन का यह अर्थ नहीं है जो मृदंग और करता लेके खाली कीर्तन होता नहीं भगवान की कथा सुनाना ये भी कीर्तन जैसा सुखदेव गोस्वामी किया था अब अवध भैया सखी कीर्तन है ये श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन अनेक प्रकार का अंग है कोई भी अंग लीजिए सब लीजिए वो भी ठीक है कुछ लीजिए वो भी ठीक है एक तो जरूर लीजिए जीवन सार्थक हो जाए। उसका उदाहरण स्वरूप जैसे प्रकृत महाराज केवल श्रवण किया उनका कीर्तन करने को मौका नहीं मिला 7 दिन उनका जीवन बाकी था तो सुखदेव गोस्वामी उनको उपदेश दिया कि महाराज अब हमारा क्या करना चाहिए 7 ही दिन रह गया मरने का तो सुखदेव गोस्वामी उनको बताया कि आप सुनो भगवान की कथा सुनो तो परीक्षित महाराज केवल सुना और उनको सुनाया सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किया श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भगवान का विषय श्रवण करके परीक्षित महाराज मुक्त हो गया। अब अवध भैया सखी कीर्तन है और भैया सखी व्यासदेव उनके जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी वो केवल कीर्तन करके मुक्ति लाभ संसार से उस पार चला गया ये सब शास्त्र में निर्देश है। तो ये भक्ति जो ये सर्वनाम कीर्तन जो है सर्वनाम कीर्तन विष्णु ये श्लोक में बता रहे हैं जो वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रेरित अधोखज पहले बताया अधोखज भक्ति योगम अधोखज सबों पुंसान परो धर्म जतो भक्ति अधोखज कोई भी धर्म जाजन कीजिए उसमें कोई जाता आता नहीं बाकी फल देखना चाहिए खाली हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बोलने से कुछ लाभ वास्तविक फल देखना चाहिए। तो फल जो है
और भक्ति योग अधोखजे अधोखजे अधिता अखज ज्ञान। हम लोग का जो ज्ञान है प्रातिक ज्ञान, ये इंद्रिय से हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे आंख से देखते हैं, जीभा से आस्वादन करते हैं, हाथ से छूते हैं और नाक से सुनते हैं, कान से सुन रहे हैं। इसी प्रकार एकादश इंद्रिय है, उस 10-5 इंद्रिय से जो हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं उसको कहा जाता है ज्ञानेन्द्रिय, और कर्मेंद्रिय और मन एकादश 11। तवा कृपा हले मोर मोर कथा सुदा हबे सुनिया सपरा शोक दुख जे गुची भे न चाओ प्रभु न चाओ से।